पेरिस सिर्फ एक शहर नहीं, ये मेरे और मेरे कैमरा का लव अफेयर है। एक ऐसा शहर जिसके रंगों को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं पड़ती। और आज मैं इतना एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मेरी खींची हुई द्वारका की तस्वीर को यहाँ पेरिस में अवार्ड मिलने वाला है। Ladies and gentlemen, please welcome photography genius Darsh Rawal. मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं देखा, मुझे नहीं पता था ये लेडीज वॉशरूम है। ए रुक, कहाँ जा रहा है? हे, कहाँ भाग रहा है? गोरी लड़की देखकर लार टपकाने से पहले नहीं सोचा था? मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ और मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को घूरा भी नहीं है। लड़की गोरी हो या सावली, मैं उसे देख ही नहीं सकता। मिस्टर दर्श रावल, प्लीज कम ऑन स्टेज, मिस्टर दर्श रावल। तुम ब्लडी इंडियंस कभी नहीं सुधर सकते। I'm sorry, लेकिन अभी मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। मेरा नाम अनाउंस हो रहा है। फोटोग्राफर? That means he is blind. ये देख नहीं सकता। May I assist you? There's a step ahead. Thank you. Welcome. Thank you. Please share your experience with us. हम उतने अंधे होते हैं जितना हम अपने आप को होने देते हैं। थैंकफुली मैं अपने मन की आंखों से वो सब देख लेता हूं जो चश्मे ये पीछे वाली दो आंखों से नहीं देख पाता। Is he blind? No, baby, he's not blind. और वैसे भी दुनिया में जो खूबसूरत चीजें होती हैं उन्हें देखने के लिए आंखों की नहीं मन की जरूरत होती है। और ये मैंने अपने इंस्पिरेशन यन त्रेहान से सीखा है। यन त्रेहान वर्ल्ड के सबसे ज्यादा फेमस ब्लाइंड फोटोग्राफर। वैसे अगर मैं सेकंड मोस्ट फेमस भी हो जाऊं ना तो आई वुडंट माइंड दैट। I won't complain. Thank you so much. Merci beaucoup. He's making us fool. नहीं तो ऐसा अंधा आदमी इतनी अच्छी फोटोग्राफी कैसे कर सकता है? ये पूरे पेरिस को फूल बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं। अब अपनी फोटोग्राफ को डिस्ट्रॉय होते देखेगा तो अंधेपन का सारा नाटक भूल जाएगा। कहा था ना ये फ्रॉड है। अगर फ्रॉड होता तो पहले तुमसे मार नहीं खाता। मैंने पहले कुछ नहीं कहा तुम्हें क्योंकि गलती मेरी थी, लेकिन अब माय फ्रेंड गलती तुम्हारी है। सो यू नो मार कौन खाएगा? प्लीज लीव हिम, प्लीज प्लीज। अगर हमारे देश की इज्जत नहीं कर सकते हो तो कम से कम इंसल्ट तो मत करो यार। जिस शहर की फोटोग्राफ को तुम डिस्ट्रॉय करने जा रहे थे ना, वो शहर मेरे दिल में बसता है। वो द्वारका है, वो द्वारका जहां मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, वो द्वारका जिसे देखने के लिए मुझे कभी इन आंखों की जरूरत नहीं पड़ती। तू भी नौका में बैठेगी, तेरे तो बड़े ही मजे हो गए। तेरी बड़ी बेटी की शादी के लिए द्वारका जा रहे ना? अरे हाँ मेरी बा, तेरी छोटी बेटी को छोड़कर थोड़े ही ना जाएंगे? अजी रह कहाँ गई? अरे ओ नंदिनी, अरे ओ नंदिनी, अरे ओ नंदिनी।
घन घोर कर चहुमर मर मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट करे कई ने मेडा मेह सुने सुबत करे गगने गगने गुमराई ने पागा मेघ गट्टा कर जट करे मन मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट करे करे छे डिंगली मैं हूँ ने इतने सालों की प्रार्थना के बाद बिग बेन की शादी हो रही है तुझे लगता है मैं कुछ भी गड़बड़ होने दूंगी वैसे ओसो माँ हाँ नहीं कहे आज तो माँ बेटियों से भी ज्यादा सच सच के आई है क्या बात है अरे अभी तक सामान नहीं रखा अरे आ भी जाओ पता लो इसे देख के लगेगा कि ये लड़की बचपन में ही अनाथ हो गई उत्साह तो जो छोकरी नो डिंगली को ही माँ मान लिया है और उसकी ममता की आड़ में ही दोनों बहनें खुश रहती हैं। मैंने सुना है कि दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन आज इस नौका में बैठकर अपने ससुराल द्वारका जा रही है अब ये बता अपनी बिग बेन का कन्यादान इस डिंगली से ही करवाएगी क्या हाँ तो इसमें हर चीज क्या है हविज मेरी बाग गाय है और गाय तो भगवान का रूप होती है ने इतने मेरी बिग बेन का कन्यादान भगवान के हाथों हो आ तो ओसम थाई क्यों अरे मैं भी क्या बातों में लग गई मैं अपने साथ घर के बुजुर्ग को लाई हूँ अभी उनको विराजमान तो करने दो ए मारो द्वारका नो ना बोलो द्वारकाधीशनी अरे नंदिनी देखो तो तेरी डिंगली की फोटो छपी है पेपर में ओ माड़ी सुपाचे मेरी डिंगली का फोटो हाय कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी डिंगली ऐसा लगता है इस फोटो खींचने वाले ने इस पल को आंखों से नहीं दिल से देखा हो कानूड़ा इस फोटो खींचने वाले से मिलाना जरूर पक्का ओम नमः भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः ओम श्रीम नमः कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा राजवी भगवान के आगे अपनी आंखें बंद करने की तुम्हारी जिद जो है ना मुझे अभी तक समझ में नहीं आई 3 साल हो गए तुम्हें द्वारकाधीश जी का चेहरा देखे हुए अगर कब तक नाराज रहोगी तुम इनसे इन्होंने मेरे बेटे से उसकी आंखों की रोशनी छीन ली तो मैंने भी कसम खाई है
नहीं देखूंगी इनका चेहरा। वैसे आप सबको याद है ना, ब्लाइंड स्कूल के लिए हम सबको 50 डब्बे मिठाइयों के खुद पैक करने हैं अपने हाथों से। ये हो गया मिठाई का डब्बा पैक। हो गया ना, चलो। थैंक यू। चीटिंग। हर डब्बे पर सेलो टेप लगेगा। चश्मा पहनिए और प्रैक्टिस में जुट जाइए। जब दर्श की शादी होगी ना, सिर्फ आपसे 5,000 डब्बों की पैकिंग करवाऊंगी। राजवी, क्यों, क्या गलत कहा मैंने? नहीं, कुछ गलत नहीं कहा। दर्श मेरा भी बेटा है, कुछ पल के लिए उसकी शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो प्लीज। और जरा सोचो, कौन सी ऐसी लड़की होगी जो ऐसे लड़के से शादी करना चाहेगी जो देख नहीं सकता। राजवी, राजवी, I'm really sorry. Listen to me, राजवी, राजवी, listen to me. I'm really sorry. पता है, मैं दर्श को हमेशा सिखाती हूँ, हम उतने ही लाचार होते जितना खुद को होने देते। मेरा बेटा अपाहिज नहीं है। अपाहिज तो वो सारे लोग हैं जिन्हें मेरे बेटे की सिर्फ एक खामी नजर आती है, एक कमजोरी। उसकी सैकड़ों अच्छाइयां नजर नहीं आती। उसका साफ दिल, उसका कोमल मन, उसका टैलेंट, जिंदगी के हर शय में उसकी कामयाबी, ये सब देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। बस एक साफ मन होना चाहिए और मेरे दर्श के लिए एक ऐसे ही साफ मन की लड़की मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैं ढूंढूंगी उसे। फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर। अरे ओ नंदिनी, मिक्सर को तूने तो बड़े डब्बे में रखा ना। चिंता माँ आर्दी थई गई छे छोकरी। अरे मासी, चिंता नी, सू बात छे। मैंने कानूड़ा के साथ पूरी सेटिंग कर ली है। अब मेरी बिग बेन ससुराल से उन जितनी आशा भी करेगी ने, से अरब समुद्र जितना प्यार मिलेगा। कान्हा प्रोमिस। हेतल मासी, उठो उठो मासी, उठो ने, कुछ खो गया है, उठो ने। हाँ हाँ, क्या खो गया है? नंदिनी, शू करे छे, अभी तो सारा सामान गिना ने तुमने, तो अब क्या बाकी रह गया है? अब क्या चांद तारे तोड़ के लाएगी अपनी बहन के लिए? अरे हाँ, चांदनी तारे, वही तो भूल गई थी। अरे वो वाला तारा पास में हाथ में आ जाएगा। दिख गए दिन में चांद तारे। जो ढूंढ रही थी वो तो मिल गया ने। मेरी बिग बेन की हंसी खो गई थी और देखो मिल गई। अरे नंदनी, ये बिग बेन सोच है हम। बिग बेन, अरे इमारत छे लंदन मा, पर वो लंदन वाली बिग बेन और मेरी बिग बेन का कोई मुकाबला नहीं। हाँ, उसको तो इतने सालों से देखने जा रहे हैं लोग, लेकिन आज तक कुवारी है देखो। लेकिन मेरी बिग बेन को तो जीजू ने पहली बार देखकर ही पसंद कर लिया था। कान्हा प्रोमिस। उन्होंने तो पसंद कर लिया था, लेकिन तुम्हारी बिग बेन को नवीन भाई पसंद आए कि नहीं? अरे अगर पसंद नहीं आते तो मेरी बिग बेन का पूरी रात चैटिंग से फोन थोड़ी ना बजता रहता। टिंग 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 टिंग। अरे अरे, मेरा 11,000 का टीवी। उनसे बात तो की थी, लेकिन उनका कोई जवाब क्यों नहीं आया? अगर उन्होंने मना कर दिया तो? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।